गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा का दर्शन ना करें ऐसा कभी हो नहीं सकता है। इतनी बारिश होने के बाद भी गणेश जी ने हमें बुलाया और हम लोग आ गए गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। और सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरी एक दूसरी वीडियो में आप सभी को स्वागत है। पोर्ट ब्लेयर में ये हमारा पहला गणेश चतुर्थी है, तो हम लोग गणेश जी का दर्शन करने के लिए माँ बेटी यहाँ पे दोनों रेडी हो गए और मैंने थोड़ा सा ऐसे ही मेकअप कर लिया है। मेकअप मैं कुछ खास करती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा क्रीम लगा के पाउडर लगा लिया और लिपस्टिक लगा लिया और यहाँ पे मैंने बेटी को भी रेडी कर लिया और हम दोनों माँ बेटी हो गए तैयार। सच में बारिश से अब गुस्सा आने लगा मुझे, फिर से बारिश शुरू हो गई, अब हम कैसे जाएंगे। तो हम दोनों माँ बेटी ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में बस इसी की कमी थी, जैसे ही मुझे मेरी बेटी को भगवान ने मेरे गोद में दिया है उस दिन से मैं बहुत खुश हूँ और मैं भगवान को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी उसके लिए। बहुत मन्नत मांगने के बाद मुझे ज्ञान मिला है, तो इसी के साथ मैं खुश रहती हूँ, इसी के साथ हंसी मजाक करती रहती हूँ और इसी के साथ मेरा पूरा दिन बीत जाता है। पता ही नहीं चलता है कब सुबह होता है कब रात होता है। और जैसे ही बारिश कम हुआ वैसे ही हम तीनों निकल पड़े गणपति बप्पा के दर्शन के लिए। यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, तो आज मैं आप लोगों को भी उसी का एक झलक दिखाऊंगी। जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता रहता है, तो हम लोग जहाँ पे बहुत बड़ा गणपति का आयोजन किया है वो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैंने बाहर से ही दिखा दिया है और हम लोग आके यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितना भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत बड़ा होता है पोर्ट ब्लेयर में, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा भक्तगण यहीं पे आते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटी को भी गोदी में ले लिया है हस्बैंड ने, क्योंकि यहाँ पे इतना भीड़ है रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। और ये देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, देखिए कितना लाइटिंग कितने अच्छे से किया हुआ है। और आप लोग बाहर से ही देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे आके इतना मतलब अच्छा लग रहा है ना। चलिए जोर से एक बार बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ये देख सकते हैं आप गणपति का मूर्ति कितना बड़ा बनाया है और सब लोग यहाँ पे आरती कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा आके यहाँ पे सच में। और मैं एक बात आप लोगों को बोलूँगी जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जब भी मैं भगवान की पूजा करने आती हूँ या फिर दर्शन करने आती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ ना, मुझे वहाँ पे जो प्रसाद की खुशबू मुझे आता है तो भी मैं उसे मिस नहीं कर सकती हूँ। और हमारे असम में जो दुर्गा पूजा होता है, जो भी पूजा होता है, विश्वकर्मा पूजा, गणेश पूजा, जो भी पूजा होता है, वहाँ पे जो खिचड़ी मिलता है उसको मैं बहुत मिस करती हूँ। वो खिचड़ी यहाँ पे मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे जो प्रसाद मुझे मिला है ये भी उसी खिचड़ी के बराबर है। भगवान जी के दरबार पे आए और हम लोग प्रसाद ना ले ऐसा कभी हो नहीं सकता है। और जैसे ही प्रसाद मिल गया मैं और बेटी बैठ गई प्रसाद खाने के लिए। चाहे कोई कुछ भी बोले मैं तो प्रसाद खाऊंगी ही। भगवान जी का चढ़ा हुआ प्रसाद का जो टेस्ट है ना, वो आप चाहे कितना भी स्पेशल बना लो उसके बराबर नहीं हो सकता है। और यहाँ पे प्रसाद खा के हम लोगों ने हाथ मुँह धो के फिर से गणपति बप्पा को प्रणाम करके घर चले। और आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।